भारत माता के आशीर्वाद से सोनार बांग्ला का संकल्प जरूर सिद्ध होके रहेगा। यहां आया एक एक व्यक्ति, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, बंगाल का युवा आज बंगाल में आशोल परिवर्तन के लिए आया है। आशोल परिवर्तन, मैं इस ब्रिगेड ग्राउंड से आपको इस आशोल परिवर्तन का विश्वास दिलाने आया हूं। विश्वास बंगाल के विकास का, विश्वास बंगाल में स्थितियों को बदलने का, विश्वास बंगाल में निवेश बढ़ाने का, उद्योग बढ़ाने का, विश्वास बंगाल के पुनर्निर्माण का, विश्वास बंगाल की संस्कृति और यहां की परंपराओं की रक्षा का मैं विश्वास दिलाने आया हूं कि आपके लिए, यहां के नौजवानों के लिए, यहां के किसानों के लिए, उद्यमियों के लिए, यहां की बहनों बेटियों के विकास के लिए हम 24 घंटे दिन रात मेहनत से काम करेंगे। हम मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। हम पल पल आपके लिए जिएंगे, हम पल पल आपके सपनों के लिए जिएंगे, ये विश्वास दिलाने में आया। हम आपकी सेवा करेंगे, आपका आशीर्वाद लेंगे, आपका दिल सिर्फ चुनाव में नहीं, हर पल आपका दिल जीतते रहेंगे। अपने काम के द्वारा, सेवा के द्वारा, समर्पण के द्वारा, परिश्रम के द्वारा यहां जो भाजपा की सरकार बनेगी, उसकी नीति, उसके निर्णयों में बंगाल के लोगों का हित ये सुप्रीम होगा, बंगाल के लोगों का हित ये सर्वोपरि होगा। यहां जो भाजपा की सरकार बनेगी, आशोल परिवर्तन का मंत्र उसकी प्रेरणा होगा, उसके परिश्रम का आधार होगा। आशोल परिवर्तन का मतलब, आशोल परिवर्तन का मतलब ऐसा बंगाल जहां युवाओं को शिक्षा और रोजगार के पर्याप्त अवसर मिले। आशोल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां लोगों को पलायन करने पर मजबूर न होना पड़े। आशोल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां व्यापार और कारोबार फले फूले, जहां ज्यादा से ज्यादा निवेश आए। आशोल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां 21वीं सदी का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आशोल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां गरीब से गरीब को भी आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिले। आशोल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां हर क्षेत्र, हर वर्ग की विकास में बराबर की भागीदारी होगी। उत्तर बंगाल हो या दक्षिण बंगाल हो, पश्चिमांचल हो या जंगल महल, आदिवासी हो या दलित,
पिछड़े हो, वंचित हो, शोषित हो या हमारे शरणार्थी भाई बहन, सभी पर एक बराबर ध्यान दिया जाएगा। जहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास शासन का मंत्र होगा, जहां उन्नयन सबका होगा, तुष्टिकरण किसी का नहीं, जहां घुसपैठ को रोका जाएगा, घुसपैठियों को रोका जाएगा।